उज्जैन तराना विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश परमार के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूदगी में उज्जैन कलेक्टर का घेराव किया। दो दिन की बारिश के बाद सोयाबीन की हुई फसल बर्बाद को लेकर किसानों को आर्थिक विशेष राहत पैकेज एवं फसल बीमा राशि देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन के माध्यम से विधायक परमार ने इन बिंदुओं की मांग की। सोयाबीन खेतों में अचानक लगी इस बीमारी के बर्बाद सोयाबीन की फसलों के कारण बर्बादी की कगार पर खड़े किसानों के लिए आर्थिक रूप से तुरंत विशेष राहत पैकेज दिया जाए। विशेष राहत पैकेज तराना विधानसभा सहित उज्जैन जिले के सभी किसानों को सम्मिलित किया जाए। किसानों ने जो भी सोयाबीन की फसल का बीमा करवाया उसकी प्रीमियम भी उन्हें राशि भरी जाए। उसकी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए तुरंत सर्वे सर्वाकार बीमा राशि दिलाने का कार्य भी किया जाए। पिछले 5 माह लॉकडाउन में बिजली के बिलों को पूर्ण रूप से माफ किया जाए। किसानों पर जुड़े प्रकरण बनाए गए उन्हें वापस लिया जाए। माता सीता को त्याग दी भैया तो कुर्सी छोड़ दे अगर नहीं कर पाता है। साथियों आप अपन के हमारी फसल को आप वैज्ञानिक कुछ भी नाम दे दें। गांव गांव में मायूसी का मातम रातों रात हुई फसल बर्बादी से हर एक किसान के घर में किसानों के सामने आज ये ज्ञापन लिया गया है। बेसिकली इनकी जो मांग है कि सोयाबीन की फसल जो है उसमें काफ़ी क्षति हुआ है और इसके लिए आज कलेक्टर साहब अपने पूरे दल बल के साथ तराना विजिट पे हैं। इसके अलावा उन्होंने और अन्य तहसीलों का भी भ्रमण किया है और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो लास्ट डेट था वो अभी 31 अगस्त कर दिया गया है और चूँकि अभी 3 दिन बाकी है लेकिन संडे को हमारे यहाँ लॉकडाउन होने से हम इसमें विशेष छूट दे रहे हैं कि सभी बैंक जो वहाँ पे सिचुएटेड है वे सभी अपने वर्किंग आवर्स में खुली रहेंगी जिससे कि फसल बीमा योजना में कोई भी किसान जो है वो पंजीकृत होने से वंचित ना रहे। पूरे पिछले 8 दिन में हमारे उज्जैन मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना और पूरे उज्जैन जिले में सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पीला मोजक और उसमें फफूंद लगना, अपने आप हरी सोयाबीन का लटकना, पूरी तरह सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। हम उज्जैन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को यह महामारी मांग रखने आए थे कि तत्काल किसानों को मुआवजा विशेष राहत पैकेज और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उन्हें दिया जाए। पिछले 8 दिन से लगातार 3 बार हमने उज्जैन कलेक्टर से बात की, उसके बाद करने के बाद भी इनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आज पूरे जिले से और उज्जैन तराना से हमारे से हजारों की संख्या में किसान साथी यहाँ आए तो कलेक्टर जब उनके जागे और गांव गांव में उन्होंने आदेश किया और सर्वे करने लगे तो हम कलेक्टर साहब से यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुलाम के रूप में काम नहीं करें, किसानों की बात सुने। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 40,000 रुपये प्रति हेक्टर किसानों को देता, तो आज वो मुख्यमंत्री है। कमलनाथ जी ने तो पिछले बार अतिवृष्टि हुई थी बिना सर्वे के मुआवजा दिया था, वही बात हम रखने आए थे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती 7 दिन के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज दुख की घड़ी में किसान भाई कोरोना के नाम पर हर समय किसानों को लूटा जा रहा है, आज तक गेहूँ के पैसे नहीं मिले, बिजली के 100 रुपये के बिल आते तो 2,000-3,000 रुपये आ रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है और आगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। उज्जैन में गुरुवार को माधव नगर अस्पताल में साईनाथ कॉलोनी वासी एक व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि मरीज खुद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था जबकि दूसरे मरीज को 1 दिन पहले ही माधव नगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं रामवासा निवासी एक महिला को भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था लेकिन बाद में तीनों की मौत हो गई जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। इन सब के आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें से 2 मरीज कोरोना संदिग्ध बताए जा रहे हैं जबकि 1 मरीज कोरोना नेगेटिव था। मामले की शिकायत आशीष सिंह से की गई तो उन्होंने टीम गठित कर पूरे घटना की जांच के आदेश दिए। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने मरीजों के साथ कुछ घंटे पहले तक मोबाइल पर बात की थी जबकि कुछ देर बाद उनकी मौत की सूचना हमें मिलती है। बिना किसी कारण के अचानक मौत हो जाना संभव नहीं है। वार्ड में भर्ती विधायक पारस जैन के सहायक मुकेश लड्डा और पूर्व पार्षद सुनील कछवाए आरोप लगाते हैं कि गुरुवार सुबह 10 बजे अचानक माधव नगर अस्पताल में बिजली बंद हो गई थी। बिजली बंद होने के बाद जनरेटर भी ठीक काम नहीं कर रहा था जिसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी। यही कारण है कि एक के बाद एक 3 मरीजों की मौत हो गई।
टोटल लाइट नहीं है और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ये, और हम कोरोना पेशेंट हैं, 2-3 घंटे से लाइट नहीं है, लाइट नहीं बन रही है अभी। मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था है, अगर आज 3-3 घंटे से लाइट बंद है तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन रूम में, कोविड सेंटर में माधवनगर ब्रांच। चली जाती है, आप जागरूक मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से बात बाहर आई। उज्जैन कलेक्टर साहब सुन लें, अगर इस तरह उज्जैन के लोगों की जाने जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, किसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं उज्जैन के जागरूक जनता जनार्दन से कि आप लोग आगे आएं, आप लोग इन 3 लोगों की जान का बदला इनसे ले, ये दोषी हैं, इनके ऊपर FIR होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कुछ लोग कमजोर होते हैं, किसी की क्षमता ज्यादा होती है, तो 3 लोग की मृत्यु के लिए इनके कोई मायने नहीं है। सबसे भ्रष्ट और चोर CMHO खंडेलवाल, पहले भी उनके ऊपर लोकायुक्त की जांच से लेकर सब कुछ चला, उज्जैन कलेक्टर साहब की सेवा वो करते हैं, 3-3 लोगों की मौतें हो जाती है, आपने देखा। यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, मैं तो भाजपा के सभी हमारे साथियों से कहना चाहता हूँ, जो सेकंड पंक्ति के लोग, आप भी बाहर आइए, ये महामारी कहीं आपको भी चपेट सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है, इससे बड़ी शर्म की बात उज्जैन कलेक्टर और उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या हो सकती है और मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकती है? बड़ी दुख दर्द की बात है, बड़ी निंदनीय बात है। छवि को बिगाड़ने के लिए कुछ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि कल अचानक 3 मरीजों की मृत्यु होने से वहाँ की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, जबकि ये बहुत स्पष्ट है कि तीनों मरीज, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीनों मरीज लगभग 1 घंटे के अंतराल में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन 1 मरीज 2 दिन पहले भर्ती हुआ था, 1 मरीज परसों भर्ती हुआ था और 1 मरीज कल ही 2 घंटे पहले मृत्यु हुआ था, और तीनों मरीज गंभीर अवस्था में थे। उन मरीजों के साथ में 15 अन्य मरीजों को भी ऑक्सीजन चल रही थी, लेकिन उन 3 मरीजों की मृत्यु को ऑक्सीजन सप्लाई के साथ जोड़ा जा रहा, जो कि गलत है। वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम व्यवस्थित था, उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं था। इस तरह की खबर आने के बाद दोपहर में हमने पूरा चेक भी करवाया था, तो कहीं कोई फॉल्ट नहीं निकला। हम निश्चित रूप से जिन मरीजों की मृत्यु हुई है उस परिवार के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन इससे मानव नगर की व्यवस्थाओं को प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। थैंक यू सर। ऐसा माना जाता है कि तेजा दशमी पर्व पर जिन लोगों की मन्नतें होती है वह वहां निशान चढ़ाने जाते हैं। उज्जैन के अति प्राचीन मंदिर बुधवारिया चौराहे चैरिटेबल हॉस्पिटल में तेजा जी महाराज का मंदिर है और हजारों संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु निशान छत्रिया चढ़ाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते यह त्यौहार फीका पड़ गया। प्रतिवर्ष अल सुबह से ही लोग जुलूस के साथ बड़ी धूमधाम से निकलते थे, लेकिन इस बार प्रशासन की परमिशन नहीं मिली, जिसके कारण लोग 1-2 गाड़ियों के निशान लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर ही गेट पर उन्हें रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मंदिर के गेट पर के बाद ही उन्हें निशान रखवा दिए व मंदिर परिसर को पूरा खाली करवा दिया गया था। पुजारी ने बताया कि यहाँ काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ से लोग की मन्नतें पूरी होती है, इसलिए हर वर्ष लोग यहाँ निशान चढ़ाने पहुँचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने उन लोगों को गेट पर ही रोक दिया और वे वहीं से पूजा कर वापस लौट गए। भाई भी नहीं देखेंगे।
कोविड-19 के चलते ये प्रयास किया गया है कि भीड़ एकत्र ना हो, मंदिर पे जाना प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई श्रद्धालु छतरी या चढ़ावा लेके आ जाता है तो पुजारी वर्ग द्वारा या उनके समिति द्वारा वो छतरियाँ पहुँचा दी जाती हैं, बाकी पब्लिक को अंदर जाना अलाउ नहीं है और पीसफुली चल रहा है। फुल टाइम तो मैं यहाँ नहीं रहा, लेकिन संख्या उसकी 4 अंकों में कम से कम है। ये वर्षों से प्राचीन जब यहाँ से जंगल था, जब से मंदिर है और लोगों की मान मान्यता पूरी होती है, कम से कम यहाँ 50 वर्षों से मेला भरा रहा है। हजारों लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आते हैं छत्र निशान, जिनकी मान मान्यता पूरी हो जाती है। लेकिन बाकी इस कारण इस बार लॉकडाउन हो गया 2.5 महीने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण और कोरोना काल के कारण इस बार सारी व्यवस्था सरकार के कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार सब कुछ बंद है। सिर्फ बाबा का श्रृंगार हुआ, अंदर पूजन अर्चना हमारे मंदिर में जो गुरु पुजारी, हम पंडित पुजारी है, हमारी पूजा नहीं चल रही। बाकी आम जन शांति के लिए दर्शन प्रतिबंध है बिल्कुल। कहाँ से रखें? वो मेन गेट से बिल्कुल सब कुछ बंद कर रखा उन्होंने। सिर्फ मंत्र पंडित पुजारी हम जो सिर्फ बाबी मेरे फादर श्री गणेश गुरु अथा मैं और हम जो मंदिर के 2-3 लोग हैं हम अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं। बाकी सब लोग बाहर से बाबा के निशान वहीं से हाथ जोड़ के और दर्शन करके। आपका नाम? पीयूष गुरु, आम जनता। भैरवगढ़ रोड के 11 नगर में रहने वाले करण पिता जगदीश कटारिया नामक युवक ने देर रात भैरवगढ़ ब्रिज से शिप्रा नदी में छलांग लगा दी। दरअसल युवक की बाइक और मोबाइल ब्रिज पर ही मिला। जानकारी लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और थाना भैरवगढ़ व थाना जीवाजीगंज पुलिस के जानकारी दी। हालांकि देर रात हो चुकी थी इसलिए युवक का पता नहीं चल सका। सुबह परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि मामले में थाना जीवाजीगंज पुलिस जांच कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि उक्त युवक पार्षद मांगीलाल कड़ेल का रिश्तेदार है। ग्यारसी नगर के अंदर निवास है उनका और हमारे बड़े भाई पूरी बिरवाल शांत होकर बैठने आया था मैंने यहाँ पे कल 9 बजे करीब अपने ग्यारसी नगर में। तो हमारा भांजा जमी जो है मतलब उसकी निषेध में काम करती है अपने बेड़ूगढ़ में, तो वहाँ पे उनके जो सहेली उनको 800 रुपये दे के और ये बोल के गए मतलब कि मैं आज सीमा को 800 रुपये दे देना, मैं आज के बाद में उनको नहीं मिलूँगा। और जैसी गाड़ी मतलब वहाँ फास्ट स्टार्ट करके और अपने भेड़ूगढ़ के पुल के ब्रिज के बिना गाड़ी खड़ी कर दी और मोबाइल भी मैंने खड़ा कर दिया और कूद के अंदर वो और उसको रात से ढूंढ रहे। भेड़ूगढ़ थाने में फ़ोन लगाया भेड़ूगढ़ की पुलिस ही, तो वो बोले कि हमारा मतलब स्मार्ट नहीं है ये मतलब जीवाजीगंज का है। तो जीवाजीगंज में स्वयं खुद गया मतलब वहाँ पे और रात को 9 बजे करीब मैंने गुमसुदी की रिपोर्ट लिखवा दी है। उनका कहना पड़ रहा था कि अभी हमारे पास में कोई टीम नहीं है, रात को प्रोग्राम था वो मोहरम का तो सब वहाँ पे लगी हुई है, फोर्स हमारा और स्टाफ भी कम है, तो इसलिए आपको सुबह मतलब 13 के पहले उपलब्ध करा देंगे। हमारे परिवार के लोगों ने भी मतलब कूद कूद के देखा यहाँ पे, तो कहीं से कहीं तक मतलब अभी तक कोई पता ठिकाने नहीं है। बाकी इतने का तैराक हमारे लोग तैराक जानते भी नहीं है और कोई पता ठिकाने लगे भी नहीं है। मतलब आप पार्षद होने के बाद भी इतने परेशान हो रहे हो आपने भांजे जमे के लिए, वो आम जनता मतलब वो तो ढूंढना तो पड़ेगा परेशान क्या। बाकी अभी इनको भी सोचना चाहिए कम से कम कि अभी तक कुछ 10 बज गया अभी तक 10 बज गया अभी तक ना तो कोई मतलब वहाँ से कोई सूचना ही है और ना कोई मतलब आपका स्टाफ आया है, ना कोई पुलिस फोर्स आया, ना कोई मतलब तिरंग दल आया है। अभी फोन लगा रहा हूँ मतलब मैं फोन उठा नहीं रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पांडुलाल खड़े, पार्षद हूँ, वार्ड नंबर।